एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है विनय गोयल जी, जो पूर्व महानगर अध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा में और इस समय प्रवक्ता हैं भाजपा में। आइए बात करते हैं इनसे। विनय गोयल जी, आपका स्वागत है हमारे। नमस्कार गोयल जी, आपसे जानना चाहेंगे भाजपा की क्या रणनीति रहेगी इस समय और विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां करी जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बिल्कुल साफ है। जो कांग्रेस सरकार की विफलता है, जो हरीश रावत सरकार के घोटाले हैं, जो हरीश रावत सरकार की झूठी घोषणाएं हैं और केंद्र में जो मोदी सरकार के उल्लेखनीय कार्य हैं और भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड के विकास के प्रति जो दृष्टिकोण है, वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा रहेंगे। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इस समय प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार से आजी जा चुकी है, क्योंकि केवल और केवल घोषणाएं, झूठे वादे, लगातार जिस प्रकार से हरीश रावत की सरकार जनता को बहलाने का काम कर रही है, फुसलाने का काम कर रही है, जनता इन सब बातों से अब ऊब चुकी है। हम अगर देहरादून में ही देखें तो देहरादून में, जो कि प्रदेश की अस्थाई राजधानी है और जहाँ पूरा मंत्रिमंडल निवास करता है, सारे लोग जहाँ निवास करते हैं, वहीं जो स्थिति है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति ले लो आप, या जो विकास की स्थिति ले लो, जगह जगह जाम है, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। जब देहरादून जैसे स्थान की ये स्थिति है, जहाँ पूरा शासन प्रशासन बैठा है, पूरा मंत्रिमंडल बैठा है, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, तो पहाड़ों की क्या स्थिति होगी, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। गोयल जी, योजनाएं की अगर हम बात करें तो सरकार का कहना है कि हम विभिन्न प्रकार की योजनाएं जनता को दे रही हैं और बीजेपी का आरोप रहा है कि योजनाओं को, जो केंद्र से पोषित योजनाएं, उन्हीं को डाइवर्ट करके सरकार अपने योजनाओं को बना रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी सरकार है, कुछ ना कुछ तो करेगी, लेकिन उस योजना का असर क्या है, धरातल पर क्या दिखाई दे रहा है, ये समझने की बात है। सरकार ने घोषणा की थी कि हम या तो युवाओं को रोजगार देंगे वरना उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया? सरकार ने घोषणा कर दी कि साहब हम कन्या गौराधन में 25,000 की जगह 50,000 रुपये देंगे, लेकिन कितने लोगों को दे पाए? आपने खाली राशि बढ़ा दी और जो पात्र छात्राएं थी उनको उसका लाभ नहीं मिला, तो ऐसी घोषणाओं का करना क्या है? गोयल जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, जो योजना है, योजनाओं की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है इस बार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार की योजना, विभिन्न विभिन्न हर वर्ग को देने की चाह रही है सरकार की। बीजेपी ये मानती है कि योजनाएं शायद जनता तक पहुंच नहीं पा रही है। देखिए, मैं वही बात मैं कह रहा था कि ये कर क्या रहे हैं कि हम सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हें भी दे रहे हैं, तुम्हें भी दे रहे हैं, तुम्हें भी दे रहे हैं। जैसे हम कहें कि हम कल को एक बहुत बड़ा समारोह करेंगे और उसमें हम अपने बहुत सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुलाएंगे और सब जो भी मिलो उसे कहे तुम अपना नाम लिखा दो, तुम भी अपना नाम लिखा दो, और वो समारोह ही ना हो और लोगों को खुश कर दे कि मैं आपको बुला रहा हूँ, दावत पे बुलाऊंगा, मैं लिस्ट बना रहा हूँ, आप लोग सोचेंगे कि भाई मुझे मौका मिलेगा, लेकिन वो मौका ही कभी ना आए। तो ये स्थिति कांग्रेस सरकार की है, सबको केवल सब्ज बाग दिखाने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है, यही तो हमारा आरोप है। एबीवीपी के एक कार्यकर्ता हैं आपके, यूथ के जो नए युवा पीढ़ी है, वो एबीवीपी में कार्यकर्ता, इनको कितना आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है आपकी पार्टी के द्वारा? नहीं, हमारे यहाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है, भारतीय जनता युवा मोर्चा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारा विचार परिवार से मिलता जुलता संगठन है, तो जो उसमें काम करते हैं वो अपने आप उसमें तरक्की करते हैं। लेकिन विद्यार्थी परिषद में काम करने का अर्थ कोई उसकी ये नहीं कि जैसे विद्यार्थी परिषद में जो काम करेगा उसको ही प्रमोट किया जाएगा भारतीय जनता युवा मोर्चा में या भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन चूंकि हमारी समान विचारधारा है उसका लाभ उन्हें मिलता है। युवा पीढ़ी जो आगे बढ़ सके उसको लेकर क्या सोचती है सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जो कहती है वो करती है, और भारतीय जनता पार्टी युवाओं को अधिक टिकट देना चाहती है, ये उन्होंने लोकसभा में भी करके दिखाया है। लोकसभा में भी अगर आज आप देखिए, पूरी लोकसभा में जिस प्रकार से हमारे सांसद हैं उसमें अधिकांश संख्या युवाओं की है, और अभी आपने लोकसभा का अगर दृश्य देखा हो तो जैसे अनुराग ठाकुर जी को आगे बढ़ाया गया, उनको
फ्रंट लाइन में लाया गया, जैसे स्मृति ईरानी जी को आगे लाया गया, तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पार्टी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आगामी चुनाव है, अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसको लेके तैयार है, किस हिसाब से चल रही है? देहरादून शहरों की बात करें या पहाड़ों की बात करें, पहाड़ों पे हमेशा देखा जाता है भाजपा उतना पकड़ मजबूती नहीं कर पाती है कई बार। भारतीय जनता पार्टी का पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत गहरा प्रभाव है और इसी का परिणाम था कि जब लोकसभा के चुनाव हुए और उस समय 56% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, जो कि गुजरात के बाद सबसे ज़्यादा है पूरे देश में। गुजरात के बाद सबसे ज़्यादा वोट लोकसभा के चुनाव में उत्तराखंड से मिला, 56% वोट। तो ये इसलिए इस बात में कोई दम नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का काम पहाड़ों में कमज़ोर है या वहाँ से कम लोग जीत के आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम पहाड़ों में उतना ही है जितना कि और किसी स्थान पर। उत्तराखंड में जो पूर्ण बहुमत का सिलसिला है वो कभी नहीं आ पाता, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, तो क्या लगता है इस बार जो सरकार आएगी, अगर आपकी सरकार आती है तो वो पूर्ण बहुमत में आएगी या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस लिए प्रयासरत है कि पूर्ण बहुमत की सरकार आए, और अब सारे हिंदुस्तान का ट्रेंड बदल चुका है, जहां भी अब जनता भी इस मन स्थिति की हो गई है कि जिसे देती है वोट वो छप्पर फाड़ के देती है। आप कहीं का भी इतिहास उठाकर देख लीजिए, अभी जो हाल फिलहाल में जहां भी चुनाव हुए हैं, अगर मान लिया हमारे पक्ष में भी अगर कोई निर्णय नहीं आया तो वो भी बहुत बुरा निर्णय आया, और जो हमारे पक्ष में निर्णय आया तो वो भी रिकॉर्ड तोड़ निर्णय आया। अगर 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जीत सकती है, 5 की 5 सीटें उत्तराखंड में जीती हमने, 282 सीटें पूरे देश भर में जीती। इसके साथ साथ अभी आपने जम्मू कश्मीर का देखा हिसाब, तो वहाँ भी उन्होंने बिल्कुल डिसाइसिव मैंडेट दिया कि जम्मू को और कश्मीर को मिलकर काम करना पड़ेगा, तब जम्मू कश्मीर का विकास होगा। इसलिए जहाँ उसने जम्मू में 100% सीटें लगभग भारतीय जनता पार्टी को दी, वहाँ कश्मीर में लगभग सभी सीटें PDP को दी। विनय जी, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विनय जी, बीजेपी के प्रवक्ता, जिनका साफ कहना है, जिन्होंने एक ठोस मुद्दे के साथ कहा है कि 2017 के चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में राज करेगी।